स्टूडेंट्स, मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स गुरु में। आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है मेजर ऑफ वेरिएशन, जिसका पार्ट 15 है। उसमें हम जो टॉपिक की सीखने जा रहे हैं वो है करेक्ट, इनकरेक्ट, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 20 आइटम इज फाउंड टू बी 10 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। एट द टाइम चेकिंग इट वॉज फाउंड दैट 1 आइटम 8 वॉज इनकरेक्ट। तो हमने कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमें क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। कब द रोंग आइटम इज ओमिटेड, मतलब जो 8 रोंग आया था वो गलती से भूल से लिया गया, वो 8 नहीं आनी थी आइटम उसके अंदर। इसका मतलब जो नंबर आइटम हमारी थी 20 थी, वो उसकी जगह 19 आइटम थी, जो हमने उस आइटम में 8 वैल्यू लिखी थी वो हमने एक्स्ट्रा ले रखी थी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू को हटाना पड़ेगा। उसके लिए हमारा, इसका मतलब ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गलत आया होगा, रॉन्ग। तो ये इनकरेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए हैं, तो अब हमें क्या करने पड़ेंगे, करेक्ट निकालने पड़ेंगे। तो करेक्ट निकालने के लिए अब पूरा प्रोसेस लगेगा। हम करेक्ट मीन निकालेंगे, फिर करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। पहले हम जो मीन का फॉर्मूला लगाते हैं वो है एक्स बार सिग्मा एक्स बटे एन। ये क्यों लगाते हैं, ये तो इंडिविजुअल सीरीज का है। जब भी ये करेक्ट इनकरेक्ट का क्वेश्चन आएगा ये इंडिविजुअल सीरीज से ही आएगा आपका, और किसी सीरीज से नहीं आएगा, क्योंकि उसमें चेंज करने के लिए फिर आपको फ्रीक्वेंसी भी सब चीज़ें होंगी, प्रोसेस वो बहुत टफ हो जाता है, तो वो नहीं आता। इसलिए हमारा यहाँ इंडिविजुअल सीरीज पे आएगा ये क्वेश्चन। तो हमें पहले सबसे पहले मीन का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज का पता होना चाहिए। तो जब ये क्वेश्चन में गिवन होंगी तो पहले जो डाटा गिवन होगा वो क्या होगा, इनकरेक्ट। लेते हैं जो इनकरेक्ट डाटा है हमारे पास, इनकरेक्ट डाटा। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड मीन है हमारे पास इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मीन वो है 10। इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन वो है 2। इसके बाद हमारे को इनकरेक्ट एन दिया हुआ है, वो है 20। तो हम लोगों को ये सब मिल चुके हैं। अब मैं एक काम और करूँगा, क्योंकि इनकरेक्ट जो वर्ड थोड़ा सा बड़ा होता है, इसको हम शॉर्ट में डिनोट कर लेंगे, इनकरेक्ट को सारे में INC से डिनोट कर लेंगे, और ऐसे आगे करेक्ट भी आएगा, करेक्ट को हम शॉर्ट में C से डिनोट कर लेंगे। तो बस ये अपने फ़ायदे के लिए है, बाकी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लगाएंगे तो पहले इनकरेक्ट का लगेगा, फिर जब इनकरेक्ट से करेक्ट वैल्यू निकल जाएगी फिर करेक्ट का लगाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट INC मीन, ये फिर इनकरेक्ट सिग्मा एक्स, इनकरेक्ट एन। तो फॉर्मूला ये वही है, बस आपको इनकरेक्ट लगाना है। तो इनकरेक्ट मीन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 10, तो वो कितना है 10। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आपको नहीं पता, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स वैल्यू हमें निकालनी है, और इनकरेक्ट एन पता है आपको कितना है 20। तो इससे हमारा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स निकल जाएगा। ये हो गया आपका 10, इधर जाके मल्टीप्लाई 20 इनकरेक्ट सिग्मा एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 200 इनकरेक्ट सिग्मा एक्स। तो हमने इनकरेक्ट सिग्मा एक्स निकाल लिया। अब ये है क्या चीज़, इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है, समझा रहा हूँ। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेकर के, मान लो आप कुछ आइटम परचेज कर रहे हो मार्केट से, मान लो कोई आइटम आपने 10 की परचेज करी, कोई 20 की, कोई 8 की, कोई 40 की, कोई 50 की, तो ऐसे आपने 5 आइटम खरीदी है। एक एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे आइटम 20 है, नंबर ऑफ आइटम 20, यहाँ पे मैंने 5 लिए हैं। तो हमने क्या करा, जब उसका टोटलिंग करा, इसको हम एक्स मानते हैं आइटम्स को, ये एक्स मानते हैं, तो ये हम जब टोटल करेंगे तो उसको सिग्मा एक्स बोलते हैं। तो इसका जो टोटल करेंगे तो 90 और ये 30 और ये हो गया 128। तो क्या हुआ, हमने अभी जो क्वेश्चन करा उसमें हमने 8 लिया है एग्जांपल के तौर पर, ये 8 हमने गलती से ले लिया, ये हमें नहीं लेना चाहिए था। तो हमें सिर्फ 10, 20 और 40 और 50 काउंट करना था, तो टोटल तो अलग आएगा, इसका मतलब इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आया है हमारा, ये इनकरेक्ट सिग्मा एक्स हो गया आपका, पर हमें तो करेक्ट चाहिए। तो अब या तो एक, अभी तो फिलहाल हमारे पास 5 आइटम है, अगर ऐसे 100 आइटम परचेज करें तो हम ऐसा करेंगे कि एक आइटम हटाएंगे फिर दोबारा लगाएंगे और सब 100 आइटम का टोटल करेंगे, नहीं, हम क्या करेंगे, उसको जो आइटम गलत थी उसको क्या कर देंगे, माइनस। तो इनकरेक्ट वैल्यू हो गई आपकी, इनकरेक्ट
वैल्यू वो 8, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये माइनस जब करेंगे तो ये आ जाएगा 120। तो हमने यही काम इसमें करना है। अगर कोई करेक्ट वैल्यू होती तो उसको प्लस कर देते, कोई करेक्ट वैल्यू अगर हमें क्वेश्चन में दी होती तो हम उसको क्या कर देते, यहाँ पे प्लस कर देते। ये हिसाब से हम करते हैं क्वेश्चन के अंदर भी। यही इनकरेक्ट सिग्मा एक्स पता है, करेक्ट सिग्मा एक्स निकालना है। मतलब ये हमारा करेक्ट सिग्मा एक्स हो गया फिलहाल, अगर हम करेक्ट वैल्यू जोड़ देते तो भी हमारा करेक्ट सिग्मा एक्स ही आता। तो फिलहाल अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेक्ट सिग्मा एक्स निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स माइनस इनकरेक्ट वैल्यू जो भी दिया। तो हमारे पास इनकरेक्ट सिग्मा एक्स जो आया था वो 200, इनकरेक्ट वैल्यू जो करेक्ट वैल्यू हमारे पास थी 8, तो ये क्या कर देंगे, माइनस। तो ये आ जाएगा माइनस करने पर 192। अब आपको पता है हमारा एन भी जो है इनकरेक्ट हो गया क्योंकि हमारी आइटम एक कम हो चुकी है। तो हमारा करेक्ट एन जो होगा वो 20 टोटल हमारे पास था इनकरेक्ट, जिसमें से एक आइटम हमने हटा दी, तो हमारे पास करेक्ट एन कितना आ गया, 19। तो अब हमें क्या करना है, मीन निकालना है। फॉर्मूला फिर से ही लगेगा एक्स बार सिग्मा एक्स बटे एन, बस ये अभी करेक्ट 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 आ जाएगा। जब इनकरेक्ट थी तो सारी चीज़ इनकरेक्ट, तो करेक्ट होगी तो सारी चीज़ करेक्ट। तो हम लोग इसमें लगा देते हैं फॉर्म, करेक्ट एक्स बार करेक्ट सिग्मा एक्स अपॉन करेक्ट एन। अब इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं। करेक्ट सिग्मा एक्स अभी हमने निकाला ही रहा 192, और करेक्ट एन जो आया था वो 19। इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, करेक्ट एक्स बार आ जाएगा करेक्ट मीन आपका, यहाँ पे इसको डिवाइड करने पे आएंगे 10.1। तो 192 को 19 से डिवाइड करने पे आया 10.1, मीन जो हो गया हमारा वो क्या हो गया, 10.1। अब यहाँ से हमें करेक्ट स्टैंडर्ड निकालने के लिए पहले इनकरेक्ट स्टैंडर्डेशन पर काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला होता है रूट, तो इनकरेक्ट आ जाएगा पहले सिग्मा एक्स स्क्वायर, जो ये एक्स आइटम हमने मानी थी इनके स्क्वायर करते हैं वो, अपॉन में इनकरेक्ट एन, उसके बाद माइनस इनकरेक्ट मीन एक्स बार। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल सीरीज का, बस इनकरेक्ट लगा दिया सारे मैंने, फॉर्मूला वही है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे में एन माइनस मीन का स्क्वायर रूट के अंदर। तो उसके में बस इनकरेक्ट लगा देना, सबसे पहले फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज का याद रखना है आपको, उसके बाद आपको सब जगह इनकरेक्ट लगा देना है। जब करेक्ट करेंगे पहले इनकरेक्ट ही होगा, उसको सही करके फिर करेक्ट होगा, फिर सारे में करेक्ट 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 कर देंगे इसको। तो सबसे पहले इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए हमको, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन था 2 इक्वल टू ये इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 2 पुट कर दी, फिर रूट इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर नहीं पता होता हमको, इनकरेक्ट एन और इनकरेक्ट मीन की जरूरत है, ये हमें पता नहीं होता। तो ये दोनों देख लेते हैं, इनकरेक्ट मीन 10 है और इनकरेक्ट एन 20 है। द रूट इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे में इनकरेक्ट एन था 20 माइनस इनकरेक्ट मीन था 10 स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है। तो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे रूट हट जाता है स्क्वायर से, और ये बच गया इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में 20 माइनस 100। तो ये माइनस 100 हो जाके प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जो होता है 4, और ये प्लस का 100 आ जाएगा इधर, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे में 20, और ये 20 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 104 है, इसको टोटल कर लेते हैं, 104 इंटू 20 इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई करने पे 2080 इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो अब हमें करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है। तो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनेगा, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर जो गलत वाला था, जब हम लोग क्वेश्चन में एक्स लेते तो ये था,
एक्स स्क्वायर मैंने जो एग्जांपल लिया था उसका स्क्वायर करूँगा तो 10 का स्क्वायर लूँगा, 20 का स्क्वायर लूँगा, 8 का स्क्वायर लूँगा, 40 का स्क्वायर लूँगा, 50 का स्क्वायर लूँगा। तो जो टोटलिंग में जो गलती आएगी इसकी वो स्क्वायर की गलती आएगी। अगर हम हटाएंगे तो इस बार 64 हटाएंगे, मतलब 8 के स्क्वायर के नंबर पर हटाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे माइनस 8 किया था तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर माइनस करेंगे। इनकरेक्ट जो वैल्यू थी हमारी, और जो करेक्ट इसके जब माइनस कर लेंगे जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद प्लस, अगर इनकरेक्ट वैल्यू के अलावा प्लस करनी पड़ेगी, करेक्ट वैल्यू अगर दिए तो इसके प्लेस पर, फिलहाल इसमें नहीं दिए, अगर करेक्ट वैल्यू देता है तो उसमें उसको प्लस कर देंगे, पर स्क्वायर नंबर में ही क्या होगी प्लस, क्योंकि ऊपर से नंबर जब दोबारा पुट करेंगे तो वो स्क्वायर में ही आएगा यहाँ पे। या करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट वैल्यू का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 2080 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू इज 8 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका, करेंगे तो 2080 माइनस 64, तो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया आपका कितना 2016। तो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर निकल गया हमारे पास। अब हम लोग सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में निकाल सकते हैं। जो फॉर्मूला लगेगा फिर वही, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर करेक्ट एन माइनस करेक्ट एक्स बार का होल स्क्वायर। पहले हमने इनकरेक्ट करा था सबको, अब उसको हमने करेक्ट कर दिया। फॉर्मूला वही है बस, पहले इनकरेक्ट फिर करेक्ट। तो हमारे पास इसे निकालने जा रहे हैं तो ये हमें मिल चुका है कितना है, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 2016। एन हमारा अब भी करेक्ट, एन हमारा 19 ही आएगा क्योंकि एक नंबर हमने हटा दिया यहाँ से, तो करेक्ट एन हो गया 19 माइनस करेक्ट मीन हमने पीछे निकाला था, पहले करेक्ट मीन आया था 10.1, तो हो जाएगा 10.1 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारा करेक्ट स्टैंडर्ड से निकल जाएगा। तो अंडर रूट 2016 को 19 से डिवाइड कर लेंगे आपका 106.1, और ये 10.1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 102.01, इसको माइनस कर लेते हैं इससे तो ये माइनस करने पे है 4.09, और रूट 4.09 का होता है 2.02। स्टैंडर्डाइजेशन आ गया हमारा 2.02, कंप्लीट है। थैंक यू। इसके जैसा एक क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे डाला हुआ है, आप लोग उसको सॉल्व करके देखिएगा। सॉल्व करने के बाद अगर आपको कुछ नहीं आती, प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।